Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें. Sony Live, we live to entertain. Thank God ये लाइट तो आ गई. आई नहीं, लाई है. अंधेरे में कितनी मुश्किल से फ्यूज ठीक किया, सिर्फ मैं ही जानता हूँ. छोड़ो इसे, चलो हम तो चल के देखें मीनाक्षी को क्या हुआ है. नहीं, क्यों? सोचना पड़ेगा, वहां जाना ठीक है या नहीं. कोई आदमी भी नहीं दिख रहा, कोई दुकान भी नहीं दिख रही. सारे परेशानी एक साथ ही आनी थी, हमारे मोबाइल फोन भी गायब हो गए. रोको 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 भाई रोको प्लीज भाई, हमारी बात सुनो प्लीज, रोको भाई प्लीज, हमारी मदद करो प्लीज. अरे क्या तमाशा लगा रखा हुआ है? प्रॉब्लम में फंसे, कुछ अर्जेंट है, प्लीज हमारी मदद करो भाई प्लीज. क्या हुआ? हमारा दोस्त बुरी तरीके से घायल हो गया, हमें सीआईडी और एम्बुलेंस को फोन करना है. प्लीज अपना फोन दो. तुम दोनों के पास फोन नहीं है? अरे हमारे पास फोन होता तो तुम्हें क्यों रुकाते? प्लीज हमारी मदद करो, बातें कम करो, हमें अपना फोन दो, हमें सीआईडी को फोन करना है प्लीज. रुको 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 रुको, मैं फोन करता हूँ सीआईडी को. थोड़ा जल्दी प्लीज प्लीज जल्दी करो. हेलो गाइस, गाइस मैंने फोन कर दिया, एम्बुलेंस आती होगी. कोई फायदा नहीं है मानव, अब मीनाक्षी हमारे बीच नहीं रही. जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा है वो यहाँ इस कमरे में रहेंगे, बाकी लोग बाहर जाएं, लेकिन घर से बाहर कोई नहीं जाएगा. कृपया इनका नाम और एड्रेस वगैरह सब नोट कर लो. अभिजीत. और सर ये देखो, इसे दो गोलियां लगी, एक यहां पर और एक यहां. तो आप तीनों ने सबसे पहले देखा था इसे, तब ये इसी पोजीशन में थे? वो पेट के बल गिरी थी. तुम तीनों पहले हॉल में थे? फिर समय रोहित, आंचल और खुद के लिए ड्रिंक बना रहा था वहां पे, तभी हमने एक चीख सुनी. सर दो गोली चलने की आवाज आई, हम तीनों यहाँ भागते हुए आए, और मीनाक्षी. तो जब आप पहली बार ये दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे तो मीनाक्षी के अलावा यहाँ और कोई नहीं था? अभिजीत. मरने से पहले शायद इसने कुछ ये लिखने की कोशिश की है, बालों के पीछे छुपा हुआ था इसलिए ठीक से दिखा नहीं. पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, बैठ गया है. मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ. अच्छा ये मीनाक्षी ने मरने से पहले पूनी के बारे में कुछ बताया क्या? कि उसे किसने मारा, क्यों मारा, या फिर कुछ बोलिया, नाम वगैरह? कुछ भी पता नहीं सर, मैं तो तुरंत निकल गया था घर से आप लोगों को फोन करने के लिए. तुम दोनों तो थे ना यहाँ पे मीनाक्षी के साथ? हाँ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं. मीनाक्षी ने कुछ कहा नहीं, उसने फर्श पे लिख दिया. उसे फर्श पे लिखते हुए तो देखा होगा तुम लोगों ने, ये बात बताई नहीं हमें? मैं यहाँ इस रूम से कुछ देर के लिए बाहर गई थी. पानी पानी आंचल प्लीज जाओ, पानी लेकर आओ. पर यहाँ तो कहीं भी पानी नहीं है, बाथरूम के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है. सब अभी होना था क्या? एक मिनट, मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ. वेट. रोहित तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ I'm sorry. सर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करिश्मा को गोली मारने के बाद उसके कमरे के सामने रखे पॉट में मैंने वो गन डाल दी. अच्छा पंकज चेक करो जरा, कौन ये ऑर्गेनाइज कौन करता है ये गेम? सर हम दोनों ही ये ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करके इन सबको इंस्ट्रक्शन देता हूँ और फिर सब पे नजर भी रखता हूँ. नजर रखते हो कैसे? सर सीसीटीवी कैमरा. सर लेकिन सीसीटीवी कैमरा सिर्फ मेन हॉल में ही लगा हुआ है. अच्छा दिव्या जरा फुटेज चेक करो. सर
तो तुम लोगों को पता रहता है कि कौन कहां पे है, क्या कर रहा है, है? गेम की आड़ में तुम लोगों ने मीनाक्षी का खून कर दिया। नहीं सर, सर हम क्यों मारेंगे? हमने किसी का नहीं मारा। मीनाक्षी का खून हो क्या? हाँ सर, जरूर इस परेश की मीनाक्षी से कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी। नहीं नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया है सर। रोहित और मीनाक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है सर, और मैं इन सबसे इस गेम के लिए 5,000-5,000 रुपए लेता हूँ फीस के तौर पर। सर ये गेम तो हमारी रोजी रोटी है सर, भला मैं इसको बर्बाद करूंगा? एक काम करो, इन सब के बयान लो मगर अलग अलग। जब गोली चली थी तब तुम कहाँ थी? मैं तो रूम नंबर 1 में थी करण और अनिल के साथ, लेकिन करण पहले ही निकल गया था। मैडम मैं तो दीप्ति और करण के साथ ही था रूम नंबर 1 में, लेकिन करण पहले चले गया था। सर मैं तो कमरे में अनिल और दीप्ति के साथ ही था, लेकिन तभी मुझे कुछ पेट में गड़बड़ाहट महसूस हुई तो इसलिए मैं बाथरूम चला गया, लेकिन जैसे मैंने बाथरूम में गोली चलने की आवाज़ सुनी तो मैं घबरा गया और मैं तुरंत सीधा भागकर बाहर आ गया। सर अचानक लाइट चली गई और मुझे कुछ सुनाई दिया, मैं भाग भाग कर यहाँ पर आया, फिर मीडिया रूम चला गया लाइट को ठीक करने। सर मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो राशन का सामान लेने मार्केट गई हुई थी। और हाँ आते वक्त मुझे अनिल और मानव भी मिले थे, वो आप ही लोगों को फोन करके वापस लौट रहे थे। हाँ जब गोली चली थी तो मीट घर पे नहीं थी। सर इन लोगों के बयान के मुताबिक सबके परफेक्ट एलिबाइज हैं। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मीनाक्षी तो तब जिंदा थी। आंचल मानव और रोहित जब कमरे के अंदर गए थे। मीनाक्षी 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 तो वहां पे मीनाक्षी नहीं थी, मीनाक्षी की जगह कोई और थी। अंधेरे के वजह से आप सब लोग धोखा खा गए थे। मानव तुम एम्बुलेंस को बुलाने के लिए और सीआईडी को बुलाने के लिए चले गए थे। जी हाँ सर। तुम लोग मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। आंचल तुम बाथरूम में गई, वहां पे पानी नहीं था। बाथरूम के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए पानी लेने के लिए तुम कमरे से बाहर चली गई। मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जब पानी लेकर तुम वापस आई तब वहां पे असली मीनाक्षी की लाश लिटा दी गई थी। मीनाक्षी उठो, ये लो पानी पियो। इसके पहले मीनाक्षी जैसी दिखने वाली मीनाक्षी के कपड़ों में, सुने ना मैडम, आप थी वहां पे। आपने उसी दुकान से कपड़े हायर किए थे जहां से मीनाक्षी ने मंगवाए थे। सेम टू सेम, हू बहू। नहीं सर, मैं क्यों करूंगी सर, मैं क्यों मारूंगी सर। मैंने मीनाक्षी तो पहले ही मर चुकी थी, उसकी लाश को प्लास्टिक में लपेट कर बेड के अंदर छुपा दिया गया था। और जब आप दोनों कमरे से बाहर गए तो सुनैना मैडम ने मीनाक्षी की लाश बेड से निकालकर वहां पे लिटा दी, और इसके पहले कि आप पानी लेकर वहां पर आती, सुनैना मैडम को दूसरे दरवाजे से मिस्टर रोहित ने भगा दिया। क्यों रोहित जी, सच है ना? भागने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी, समझे? नहीं सर, गोली मत चलाइए प्लीज। क्यों मारा मीनाक्षी को तुम लोगों ने, हैं? सर मीनाक्षी मुझे तलाक देना चाहती थी, अगर ऐसा हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता, मैं सड़क पे आ जाता। अच्छा पर वो गन वहां से कैसे गायब भाई, और मुझ पे हमला किसने किया? वो मैंने मारा था सर आपको, जब मैं मीनाक्षी के रूम से गन और प्लास्टिक लेकर निकल रही थी तो आंचल पानी लेकर आ रही थी, उसे देखकर मैंने छुपने की कोशिश की और उसी वक्त मेरे हाथ से गन गिर गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले कपड़े बदल कर आऊंगी, नहीं तो मैं पकड़ी जा सकती हूँ। पर जब तक मैं वहां पहुंची आपकी नजर गन पर पड़ चुकी थी, इसलिए मैंने आप पर हमला कर दिया। ओह, मतलब स्टोर रूम में तुम ही थी जिसकी आवाज करण ने सुनी थी।
जी सर वो मैं ही थी, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक रास्ता है तुम लोगों के पास, जेल का रास्ता। वहां से फांसी का रास्ता तुम्हें कानून दिखाएगा। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।